हसनपुर इलाके की गौशाला में दो दर्जन से अधिक गायों की मौत से मचा हड़कंप। डीएम सहित कई अधिकारी पहुंचे मौके पर। जहरीला चारा खाने से गायों की मौत होने की आशंका, दर्जनों गायों की हालत गंभीर। मंडलीय पशु चिकित्सा टीम बुलाई गई मौके पर। डीएम ने ताहिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कही बात। ग्राम विकास अधिकारी को भी निलंबित करने की बात कह रहे हैं। डीएम अमरोहा हसनपुर तहसील क्षेत्र के सातलपुर में स्थित है सरकारी गौशाला। सर, सातलपुर गौशाला में जो गायों की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? ये सातलपुर गौशाला जो कि तहसील हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं, और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। चारा कल लिया था, खरीदा था और कटिंग करके आज खिलाया है, तो उसके खाने के बाद से कई पशु हमारे जो बीमार पड़ गए, और उसमें अभी जो बीमार ज़्यादा पड़ गए थे उनको पॉइजन भी हो गया, तो डॉक्टर से इलाज भी कर रहे हैं और कुछ से मृत भी हो गए हैं। लगभग अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत हैं, और बाकी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है पूरी जांच पड़ताल के लिए, और इसके अलावा हमारी और मंडली टीम भी डॉक्टर से आ गई, दवाएँ आ गई हैं, इलाज चल रहा है। बाकी को जिनको पॉइजन हुआ है जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके, वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। सर, क्या किसी और के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? यहाँ के जो इसके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, उनको निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।